ये मेरे भाई हैं जो मुझे ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट आए हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं कितना भाग भाग के जाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूँ। अभी मैं बस से जा रहा हूँ दोस्तों यूनियन मेट्रो, यूनियन मेट्रो से फिर एयरपोर्ट के लिए जाऊँगा, क्योंकि C1 बहुत ज़्यादा लेट है और C1 में जाऊँगा तो मेरी फ़्लाइट छूट जाएगी। तो इस यूनियन मेट्रो स्टेशन और यहाँ से बस पकड़ूँगा डायरेक्ट एयरपोर्ट टर्मिनल 1, जो दुबई का मेन एयरपोर्ट है, वहाँ जा रहा हूँ। तो देखते हैं कितनी जल्दी पहुँच पाते हैं हम लोग। बहुत भागना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। भाई पहले पहुँच चुके हैं वहाँ पे, सामान वगैरह भाई के पास है, मैं इधर से पीछे से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परचेज़ करना था आईफोन, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। और आज फ्राइडे है इसलिए यहाँ पे शॉप्स वगैरह बंद है, तो इसलिए एक बड़ी मुश्किल से एक दुकान से मिली है। तो अब मैं जा रहा हूँ मेट्रो के अंदर। देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं दोस्तों। ये है दुबई मेट्रो। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं अभी मेट्रो, और यहाँ से जस्ट हम लोग अभी एयरपोर्ट में एंट्री करने वाले हैं। देखिए यहाँ से शुरू है एयरपोर्ट, मैं आपको दिखाता हूँ। अरे ये तो बहुत गंदा है दोस्तों, ये साफ नहीं हुआ है इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, नहीं तो दुबई का जो एयरपोर्ट है ना, दुनिया का नंबर 1 है। और मैंने इसीलिए भी फ़्लाइट का टिकट इसी टर्मिनल से लिया था, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है और बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो अभी मैं ढूंढूंगा सबसे पहले अपने भाई को, क्योंकि वो टर्मिनल 3 पहुंच गए हैं और हमारा टर्मिनल 1 है। तो देखते हैं, एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं फाइनली आप लोग। ये टर्मिनल 1 है, टर्मिनल 1 में ही आज हम लोगों को जाना है। तो अभी हम जा रहे हैं लिफ्ट के सहारे नीचे, और नीचे से फिर हमें टाइमली पहुंच चुका हूं, लेकिन एयरपोर्ट में जब तक बोर्डिंग पास नहीं होता तब तक आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं और कितना टाइम लगता है यहां से। ये है अल जज। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मैं जा रहा हूं दुबई से कुवैत। तो ये मेरा बोर्डिंग पास हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं, वेट हो गया, सब कुछ हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। वो भाई हैं जहाँ पर हम लोग अभी जाएँगे, खाना वगैरह खाएंगे। ये आप लोग देख रहे हैं, ये सारा ईटिंग एरिया है, यहाँ पे खाना खा सकते हैं आप इजी में। ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग, हम घर का बिरयानी बनाया हुआ लेके आए हैं रूम से, जो हम खा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत साइलेंट एयरपोर्ट है, यहाँ पे अनाउंसमेंट के चक्कर में बिल्कुल ना रहें आप लोग। हमारा गेट नंबर 3 बिल्कुल पास में है, तो अभी हम खा के तुरंत वहाँ जाने वाले हैं। हाँ, जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये वेट रिफंड है, मतलब यहाँ पे कुछ भी चीज़ आप खरीदेंगे ना तो यहाँ पे वेट रिफंड हो जाता है। वेट अच्छा खासा रिफंड होता है, उसका आप लोग अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपने शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो इज़ द बेस्ट ऑप्शन। देख रहे हैं आप लोग एक खूबसूरत एयरपोर्ट, अभी मैं सब कुछ दिखाने वाला हूँ आपको। ये है दुबई एयरपोर्ट का सीन जो आप लोग देख रहे हैं, अंदर से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, और ये बसें हैं जो एयरपोर्ट तक लेके जाती है हमें। देख के ना बहुत अच्छा लगता है, अभी अजान हो रही है तो अजान की आवाज जरूर आ रही है, बट कहीं पे अनाउंसमेंट वगैरह नहीं है, बिल्कुल साइलेंट एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे आए और इजिली अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच जाए। अब हम लोग जा रहे हैं गेट नंबर 3 की तरफ। ये देख सकते हैं फ्लाइट एमिरेट्स, जो सबसे महंगी फ्लाइट है दोस्तों वो ये है। आके बैठ चुके हैं जहाँ से हमें फ्लाइट के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और यहाँ से अभी हम लोग फ्लाइट लेंगे और कुवैत के लिए चले जाएंगे। फोटो खिंचाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है क्योंकि थोड़ा सा दुखी हूँ, लेकिन अभी हम जा रहे हैं फाइनल हमारी फ्लाइट यहाँ पे, हम अभी बोर्डिंग करेंगे, हम आपको अपनी फ्लाइट। तो आप लोग देख रहे हैं ये फ्लाइट जिससे अभी हम ट्रेवल करने वाले हैं कुवैत के लिए, बहुत खूबसूरत फ्लाइट है। देख रहे हैं दोस्तों कितना खूबसूरत है, जहाँ पे हम लोग अभी फ्लाइट के अंदर जाएंगे देख सकते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत गुड लुकिंग है। अभी हम इधर से ही जाने वाले हैं, इसके मुझे लगा ये बंद हो चुका है, ये देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ से हम जा रहे हैं अंदर फ्लाइट की ओर, हमारी फ्लाइट वहाँ पे खड़ी है, ये सब पैसेंजर वेट। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ दुबई एयरपोर्ट, कैसे कैसे हम आए, क्या प्रोसेस था इतना, तो क्योंकि थोड़ा सा अपसेट चल रहा हूँ, कभी घर जाने का मन कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, कभी कुछ, तो इसलिए ना फाइनली हम फ्लाइट तक आ चुके हैं,
और यहाँ से आगे के जो वीडियोस है मैं इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि वहाँ पे शायद सिक्योरिटी रीज़न है, इसलिए वीडियो बनाने नहीं देंगे। लेकिन औसम है दोस्तों, दुबई टर्मिनल वन मैंने जानबूझ करके बनाया था इस एयरपोर्ट का, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक बार आना था, क्योंकि मैं शारजा लैंड किया था तो इसलिए दुबई टर्मिनल वन जाना था मुझे, इसलिए मैं यहाँ का टिकट बनाया। और यकीन करें आप, बहुत खूबसूरत है, बहुत अमेजिंग है। तो यहाँ से धूप ज़्यादा तेज़ है इसलिए अब हमारी आँखें नहीं खुलेगी। ये लोग अभी वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी लाइन बहुत लंबी है, तो इनके पीछे हम हैं, हम भी यहाँ से अब जा रहे हैं शायद आगे वीडियो। तो फाइनली हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं, ये भाई साहब लोग भी हैं जो अपने तरफ के हैं, देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा फ्लाइट है, सीट बिल्कुल कंफर्टेबल है। फ्लाइट बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर है, और अल जजीरा फ्लाइट है, फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहा हूँ तो यहाँ का एक्सपीरियंस लेना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये आ रहा है बस, हम लोग देख सकते हैं। अभी इसके बाद इंग्लिश में भी अनाउंसमेंट करेंगे। ضغطي داخل الطائرة تتدلى تلقائيا أقنعة من فوق رؤوسكم. إذا حدث ذلك على كل راكب أن يسحب أقرب قناع إليه، وعندئذ يبدأ انطلاق الأكسجين. ضع القناع على الوجه بحيث Emergency lights that will lead you to the exits are located at the أبي آپ لوگ سن رہے ہیں یہاں پہ جو اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے اس کے اکارڈنگ آپ کو یہاں کے جو نیم ہوتے ہیں وہ ماننے پڑتے ہیں اگر آپ کو اس کو آپ لوگ دھیان سے سنیں کبھی بھی اگر آپ لوگ ٹریول کریں گے جہاز میں تو یہ والی جو چیز ہے یہ بتا رہے نا یہ بالکل پرفیکٹ ہے اور اس کے اکارڈنگ ہی آپ کو چلنا پڑے گا دوستوں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ میں جا رہا ہوں کویت کویت سے پھر ممبئی جاؤں گا تو یہاں پہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ شیخ صاحب ہے یہ یہاں پہ یہ لوگ نارمل ہیں یہ لوگ رہتے ہیں کیونکہ کویت جا رہی ہے فلائٹ دبئی سے اٹس امیزنگ بہت اچھا ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور میں فائنلی کویت ایئرپورٹ پہنچ چکا ہوں آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں پھر ملتے ہیں دوستو آپ لوگوں سے کیونکہ ابھی ہمیں دبئی سے ممبئی کے لیے جانا ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے